सो गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों आप किस तरीके से दोस्तों ओला पार्टी पर जो लाइव वेस्टिंग आपका लाइव वेस्टिंग मिलने का फॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपका जो लाइव वेस्टिंग फॉर्म है वो लाइव जो आप फ्री वाला लाइव भी ले सकते हो और आप टारगेट वाला लाइव भी ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों अगर फ्री वाला लाइव लेना है आपको कुछ दिन के लिए, अगर बस कुछ दिन के लिए आप लाइव आना चाहते हो और देखना चाहते हो कि लाइव आके आप किस तरीके से आप लाइव आ सकते हो, बस आपको टारगेट नहीं करना, टारगेट से कोई मतलब नहीं है, बस आपको लाइव आना है। एक तरह से आपका किसी बंदे का शौक होता है कि हाँ भाई मैं लाइव आऊँ, बस टारगेट से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें मैं दोनों तरीके के लाइव बताऊंगा दोस्तों कि आप टारगेट वाला लाइव भी ले सकते हो और फ्री वाला लाइव भी ले सकते हो। तो किस तरीके से होने वाली हो, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है और टारगेट वालों के लिए क्या टारगेट है वो भी मैं बताऊंगा, और जो फ्री वालों के लिए वो टारगेट नहीं करते हैं बस कुछ दिन के लाइव बन जाते हैं तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। एंड दोस्तों आप अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं दोस्तों। आइए वीडियो भी टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों पहले फ्री वाले लाइव की, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्म के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, सिंपल दोस्तों आपको ओला पार्टी ऑन करना है। ओला पार्टी ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है 90% दोस्तों यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं लाइव आती हैं और 10% के करीबन दोस्तों योगा के लिए यहाँ पे लड़के लाइव आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें जो भी होते हैं इनमें से जो 80% होते हैं दोस्तों वो टारगेट वाले होते हैं और 20% जो होते हैं वो बिना टारगेट वाले होते हैं, जो सिर्फ ऐसी मौज मस्ती के लिए यहाँ पे लाइव आते हैं, ठीक है। तो बात करें दोस्तों किस तरीके से आप जो फ्री वाले लाइव के लिए आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो और कुछ दिन के लिए आपको लाइव आना है तो आप लाइव आके देख सकते हो कि आपको लाइव आके कैसे लगता है, ठीक है। बस आप फील करना चाहते हो तो ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारे आपके इवेंट जो है वो शो हो रहे हैं। तो इवेंट शो हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा स्लाइड अप करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन जो मिलेगा आपको वीडियो टैलेंट पॉलिसी का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों कुछ रूल भी दिए होंगे जिसे अगर आप टारगेट करते हो तो आपको इतने का आपको मंथली रिवार्ड जो है फायदा होने वाला है। सिंपल दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें फ्री वाले में दोस्तों अगर लाइव लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों 156 का, ठीक है। तो यानी 1.5 लाख का टारगेट पूरा करते हो, मिनिमम अगर टारगेट करते हो तो आपको 48,000 जो है बीन्स वो मंथली के बाद आपको जो मंथ में अगर आप 1.5 लाख का टारगेट करते हो तो लास्ट मंथ में आपका जो भी टारगेट होगा उसका 48,000, ठीक है, 48,000 दोस्तों जो एजेंसी की तरफ से आपको दिया जाएगा जो बीन्स के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों इसको भर के आप सिंपली फॉर्म को फिल करके बिल्कुल फ्री में लाइव दे सकते हो। जो चाहता है दोस्तों, जैसे लड़कियां होती हैं वो चाहती हैं कि मेरी जो आइडेंटिफाई है, जो मेरा लाइव है दोस्तों, वो आधार कार्ड, जो दोस्तों आधार कार्ड नहीं देना चाहते, वीडियो नहीं देना चाहती हैं, बिना ऑडिशन के फॉर्म भरना चाहती हैं, वो इस फॉर्म को भर के लाइव आ सकती है। तो सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा होगा क्यूक लाइव आई डी, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर अपनी अब जो ओला पार्टी की क्यूक लाइव आई डी है वो आपको डाल देनी है, ठीक है। वो कैसे मिलेगी मैं बता दिखाता हूँ आपको, एक बार काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो सिंपल दोस्तों मेरी आई डी शो रही है आपको, आई डी आप प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों यहां पर दिख रहा होगा आपको आईडी नंबर, यहां पर शो हो जाएगा। सिंपली इस पर टैप करके आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर, यहां पर आके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, मेरी आईडी आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको डालना है अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल एंड परफेक्ट एंड नोट टू से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेशनल सिलेक्ट करना है, तो आप कहां से हो, तो सिंपली आप इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, जहां से भी हो वहां से बिलोंग करते हो वहां का आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। एंड दोस्तों यहां पर अगला पूछता है यहां पर रूल, जो पॉलिसी है रूल है उसके बारे में दोस्तों ये पूछता है, एजेंसी के बारे में पूछता है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे यस यस करके आपको परमिशन कर देनी है एंड डायरेक्टली आपको लास्ट ऑप्शन है आपका सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा, 24 आवर के अंदर, ठीक है, 24 आवर के अंदर आपके लाइव जो आपकी आईडी है उस पर लाइव जो है ऑप्शन अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आप हो गए फ्री वाले के बाद, और जो टारगेट करोगे उसका फायदा आपको अलग होगा, ठीक है। अब सिंपल बात करते हैं आपको एजेंसी की तरफ से लाइव चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, मैं पहले आपको फॉर्म पर ले आता हूँ और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, अप्लाई करना है, ऑडिशन वीडियो बनानी है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल दोस्तों आप जो है फॉर्म पे आ चुके हो, फॉर्म पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें जो है दोस्तों आपको एजेंसी की तरफ से लाइव मिलेगा, ठीक है। तो वो किसके किस तरीके को फिल करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पहला जो ऑप्शन मिलता है आपको मांगता है ये जो आपकी एजेंसी ओनर आईडी होती है, ठीक है, ऑडिशन आईडी होती है वो मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एजेंसी ओनर में कौन सी आईडी डालनी है वो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एजेंसी कोड है हमारा 1701, ठीक है। तो सिंपली आपको एजेंसी कोड जो है यहाँ पे आपको फिल कर देना है आपका 1701, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछता है होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी में दोस्तों जो भी आपकी ओला पार्टी की आईडी होती है वो होस्ट आईडी में आपको फिल करनी होती है। सिंपली मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मेरी आईडी जो है 101-25-16-17, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों वाली आईडी यहाँ पर डाल लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे आना है, नीचे आने पर दोस्तों यहाँ पे पूछेगा आपके एजेंसी चॉइस के लिए, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको कौन सी एजेंसी यहाँ पे जो
जो भी आपका टैलेंट होगा, ठीक है, जो भी आपको टैलेंट है वो आपको फील करना है, जैसे आपका डांसिंग है, ब्यूटी है, कुकिंग है, जो भी आपका है आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो सिंपली मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है यहाँ पे कि वो डांस का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं और सिंगिंग का। तो सिंपली आप डांस का अपने हिसाब से आप कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पर डांस रखा है, उसके बाद दोस्तों सिंपली अपने हिसाब से आप मेल फीमेल जो भी हो वो आपने सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों पूछता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है आपका। तो सिंपली जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आपको डालनी है यहाँ पे और सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से घंटे में, कौन से हावर में आप जो है लाइव आना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, दोस्तों जो भी आपका पेमेंट ऑप्शन होगा लास्ट टाइम वो आपको दोस्तों एजेंसी जो है वो आपको सबमिट करनी होगी। तो उसके लिए दोस्तों कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर फिर करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने पर दोस्तों यहाँ पूछा ऑफिशियल एडमिन। तो सिंपली मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ऑफिशियल एडमिन होना क्या क्या भरना है आपको। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑफिशियल है आपका वो है एमिलिया और अरवी अमेलिया, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा अरवी एंड अमेलिया, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेशन सेलेक्ट करना है आपको, तो सिंपली आप इंडिया से हो इंडिया, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, जो भी आपका है वो नेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई के लिए अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। और काफ़ी सारे दोस्तों पूछते हैं कि पैन कार्ड से अप्लाई हो जाएगा, तो दोस्तों पैन कार्ड की आईडी जो आईडी कार्ड नंबर होती है वो भी आप डाल सकते हो और वहाँ पर पैन कार्ड का फोटो भी डाल सकते हो, ठीक है, वो लग जाएगा आपका। लेकिन दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड होगा तो काफ़ी बेटर होगा, ठीक है, इसको अप्लाई करने में और अप्रूवल देने में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं वीडियो ऑडिशन की, तो काफ़ी सारे मैंने भाइयों ने वीडियो बना रखी है कि वीडियो ऑडिशन आपको किस तरीके से देना है। सिंपल दोस्तों फिर भी नहीं पता आपको तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। तो ऑडिशन वीडियो में आपको अपना पहले अपना नाम बोलना है, उसके बाद दोस्तों आप कहाँ रहते हो वो बताना है आपको, ठीक है, और फिर आपका टैलेंट क्या है वो बताना है। और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों, जो भी टैलेंट आपने डांसिंग सिंगिंग चूज़ किया है उसको थोड़ी, अगर आपने डांसिंग चूज़ किया है तो आप थोड़े गाने पे थोड़ा डांस करके दिखा देंगे, या फिर आपने सिंगिंग सेलेक्ट किया है तो आप सिंगिंग पे थोड़ा कुछ दो लाइन गा के दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको ये पूछेगा कि दोस्तों आपने कौन सी एप्लीकेशन इसमें से पहले यूज़ करी है। अगर सिंपली आपने नहीं यूज़ करी है तो आप अपलैब सेलेक्ट कर लेना और अपलैब एप्लीकेशन को अप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर आई डी साइनअप करके उसका आई डी नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है, अपलैब की आई डी, एंड दोस्तों वहीं पर अपलैब की यहाँ पर जो है स्क्रीन शॉट आपको अपलोड करना है और डायरेक्टली दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें 3 डे के अंदर दोस्तों आपको जो अप्रूवल है एजेंसी की तरफ से आपको लाइव ऑडिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों इसके जो एज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एज हमेशा आप याद रखना कि 18 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, जब भी ये आपका अप्रूवल होगा। यह काफ़ी सारे भाइयों बहनों को दिक्कत आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल भी हैं, वो भी रूल का आप ध्यान रखना कि आप किसी तरीके से सेक्सुअल वीडियो जो अपलोड सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, वहाँ पर काफ़ी सारे आईडियो की एक्टिवेट जो आईडी बैन होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं, तो इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आई होप कि दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो मैंने पहले भी इस टॉपिक का वीडियो बना रखी है, वो लाइव वाला फॉर्म में देख सकते हो किस तरीके से ऑडिशन देना है, उसका मैं जो आई बटन पर है मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दोस्तों आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक।